नमस्कार दोस्तों, आज हम साबुदाने का ऐसा स्नैक्स बनाने वाले हैं जिसे कि आप बिना व्रत के हल्का फुल्का नाश्ता खाने का मन हो या व्रत का, इसे ज़रूर बनाएं। और साथ में खाने के लिए व्रत का ऐसा डिप बनाने वाले हैं जो कि दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो फिर चले इसे कैसे बनाते हैं वो देख ले। दोस्तों, इस साबुदाना रोल को बनाने के लिए हमें ना साबुदाना भिगोने की ज़रूरत है ना ही ज़्यादा मेहनत करने की। बस आधा कटोरी साबुदाना लेकर पहले उसे रोस्ट करेंगे। क्या है कि मुझे थोड़ा हल्का फुल्का स्नैक्स खाना था, इसीलिए मैंने आधा कटोरी साबुदाना यूज़ किया है। आप आपके हिसाब से क्वांटिटी लेकर साबुदाने का ना कलर चेंज होने देना है और ना ही खुशबू आने का इंतज़ार करना है, बल्कि मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ही ऐसे रोस्ट करके गैस पर से उतारकर थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करें। और जैसे ही ठंडा हो जाए तब मिक्सी के जार में डालकर साथ में डालना है 3 हरी मिर्ची। यानी कि आप तीखा कम या ज़्यादा कैसे खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालकर लगभग 3 चम्मच रोस्टेड मूंगफली को डालिए और बिना पानी डाले पीस ले। ये देखो, आप ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बल्कि सूजी की तरह ऐसे थोड़ा दरदरा पीस लेना है। अभी इसे साइड में करके किसी मिक्सिंग बाउल में लेना है कद्दूकस किया हुआ एक मीडियम साइज़ का उबला आलू, चाहे तो आप मैश करके भी ले सकते हो। अब जो हमने साबुदाने को पीस लिया था उसे भी इसके साथ ऐड करके आधा चम्मच जीरा डालना है। दोस्तों, ये मैं मेरे लिए हल्के फुल्के स्नैक्स के तौर पे बना रहा हूँ, इसीलिए मैं इसमें डालने वाला हूँ बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज और थोड़ा सा चॉप किया हुआ कड़ी पत्ता। ये दोनों भी चीज़ें व्रत में नहीं खाए जाते। आप व्रत के लिए बना रहे हो तो उन दोनों को स्किप करके बस थोड़ा सा हरा धनिया, स्वादानुसार सेंधा नमक डालकर बिना पानी डाले दबा दबा कर डो बनाइए। क्या है कि हमने इसमें बॉईल किया हुआ आलू यूज किया है और आलू में मॉइस्चर की मात्रा होने के कारण हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए बिना पानी डाले अच्छे से मसल मसल के ऐसा डो बना के तैयार करें और सेट होने के लिए 5 मिनट तक रेस्ट दे। तब तक हम डिप बनाकर लेते हैं। तो यहाँ पर यह मैंने लगभग 1/3 कप दही को स्मूथ बनाकर लिया है। तो इसमें डालना है बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्ची, स्वादानुसार सेंधा नमक, आधा चम्मच चीनी या चीनी के पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया और तड़का डालेंगे। ये मैंने आधा चम्मच तेल को अच्छे से गर्म करके थोड़ा सा जीरा डालकर उसे चटकने दिया था। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, इसका स्वाद खट्टा मीठा तीखा तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो किसी भी व्रत के नाश्ते के साथ खाएंगे तो उसका 2 गुना स्वाद बढ़ाएगा। तो चलिए, इधर हमारा डो भी अच्छे से सेट हुआ है। तो हाथ को थोड़ा तेल लगा के इस डो में से पेड़े जितना पोर्शन लेकर पहले ऐसे हाथ से प्रेस करते हुए टाइट बॉल बनाइए और बाद में दूसरे हाथ पे रख कर लंबा शेप देना है, यानी कि रोल की तरह। ये देखो, आप साइज़ में आप थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े जैसे चाहे वैसे पहले एक साथ बना के तैयार करें और बाद में डीपली फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने के लिए पहले तेल को अच्छे से गर्म करके गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रख कर एक एक रोल को ऐसे तेल में छोड़ते जाइए। हाँ, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि फ्लेम को हाई करके बिल्कुल भी फ्राई ना करें, नहीं तो बाहर से जल्दी ब्राउन होकर अंदर से कच्चे ही रहेंगे, इसीलिए धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। ये देखिए, एकदम बढ़िया फ्राई होने लगे हैं। तो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से फ्राई हुए है। अभी इसे निकाल के मैं आपको इसका आवाज़ सुनाकर दिखाता हूँ, तो आपको आवाज़ सुनकर पता चल ही गया होगा कि ये कितना क्रिस्पी बनता है। और ये देखो, आप अंदर से भी बढ़िया फ्राई हुआ है। तो इसे व्रत के नाश्ते के तौर पे या बिना व्रत के एक बार बनाकर तो देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा।